I love Happy Fizz. It is my favorite energy drink. Hello Big Boss, this is Chirag Atri. मेरी उम्र 20 साल है और मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर का रहने वाला हूँ. बिग बॉस, अगर मैं अपनी हॉबी के बारे में बात करूँ तो मेरी सबसे बड़ी हॉबी एक्टिंग करना है, क्योंकि मैं फ्यूचर में एक्टर बनना चाहता हूँ, लाइक सलमान खान सर. सलमान खान सर, ही इज़ माई फेवरेट एक्टर इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री. मैं उनकी तरह नाम कमाना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, उनकी तरह फेमस होना चाहता हूँ इंडस्ट्री में. बिग बॉस, मुझे गरीबों की मदद करना बहुत पसंद है. मैं एक्टर बनने के बाद दूसरों को चांस देना चाहता हूँ, दूसरों को फ्री में चांस देना चाहता हूँ, उनके टैलेंट के बेस पर चांस देना चाहता हूँ. क्योंकि आजकल की इस स्ट्रगल की दुनिया में लोग सिर्फ पैसे देखते हैं, टैलेंट कोई नहीं देखता. उसका टैलेंट पीछे रह जाता है और वो कुछ बन नहीं पाता. तो मैं दूसरों को उसके टैलेंट के बेस पर चांस देना चाहता हूँ, हर किसी को चांस देना चाहता हूँ. बिग बॉस, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो मैं इस टाइम ग्रेजुएशन कर रहा हूँ. बिग बॉस मेरा फेवरेट रियलिटी शो है. मैं इसका एक भी एपिसोड कभी मिस नहीं करता. जब भी बिग बॉस टीवी पर आता मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाता हूँ कि कब बिग बॉस टीवी पर आ रहा है, कब इसकी फाइनल डेट टीवी पर आ रही है, कौन कंटेस्टेंट है, कौन कंटेस्टेंट नहीं है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बिग बॉस. बिग बॉस में शो में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मेरी सोच दूसरों से अलग है. मैं ये नहीं सोचता कि कोई दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं ये सोचता हूँ मैं खुद अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ. बिग बॉस मेरी एक ही ओपिनियन है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की. क्योंकि जब तक हम अपने मन की नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते. बिग बॉस में मैं बिग बॉस में आके ये देखना चाहता हूँ कि मुझे कितना लोग लाइक और डिसलाइक करते हैं, कितना मुझे वोट मिलते हैं, कितना मैं इसमें आगे तक जा पाता हूँ, कितना मुझे लोग पसंद करते हैं. क्योंकि बिग बॉस में मुझे सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है, टास्क और कंपटीशन. सबसे बढ़िया चीज़ मुझे टास्क और कंपटीशन लगती है. अलग अलग तरह के टास्क होते हैं, अलग अलग तरह के कंपटीशन होते हैं. लोग एक दूसरे से मिलते हैं, घुलते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं, उनके दिल की बात सुनते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है. और सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है ना कि जब अपने घर वालों से दूर रहकर अपने आप को इसमें जाहिर करते हैं ना, 105 दिन अपने घर वालों से दूर रहते हैं, ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है. कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें वहाँ पर. बिग बॉस मैं शो में आके सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक आम आदमी किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं. एक आम आदमी चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है. बिग बॉस मैं शो में आके फेमस होना चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने पहचाने, मेरे बारे में समझें. और बस मैं बिग बॉस में आने वाले हर एक कंटेस्टेंट से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, संभाल के रखना अपने ठाट, आरा जाट खड़ी कर देगा सबकी खाट. आई लव इट. थैंक यू बिग बॉस.